नेक्स्ट लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप साइन पावर एम इंटू कॉस पावर एन। साइन की पावर एम इंटू कॉस की पावर एन का हमें इंटीग्रल निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो कुछ अपन डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना के देख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट, इफ एम कॉमा एन बोथ आर इवन नेचुरल नंबर्स, अगर एम और एन दोनों इवन नेचुरल नंबर हो जाएं, तो उस केस में जो हायर पावर होंगी उनको हायर एंगल्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स से साइन की पावर टू है, तो अल्टीमेटली जो पावर है आपको रिड्यूस करनी, पावर कम करनी है। तो साइन की पावर टू से मुझे अगर सिंगल पावर पे जाना हो तो साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। ऐसे लेट्स से कॉस की पावर टू है, तो पावर टू है मुझे पावर कम करनी है। ऑब्वियसली अगर पावर कम करेंगे तो एंगल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉस की पावर टू अगर है तो क्या लिखोगे इसको आप, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। एंगल पहले क्या था एक्स, अब क्या हो गया टू एक्स। तो हायर जो पावर होंगी उनको जैसे आप पावर रिड्यूस करेंगे तो एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दिस केस देन कन्वर्ट हायर पावर्स इंटू हायर एंगल्स। मोटी मोटी बात इसमें है कि पावर आपको कम करनी है, पावर जैसे ही कम करेंगे एंगल अपने आप इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल बाद में लेंगे इसका। केस नंबर टू देखिए, इफ सेकंड केस, अगर एम और एन में अगर लेट से एक इवन नेचुरल नंबर हो गया दूसरा ऑड हो गया, या फिर दोनों ही ऑड हो गए, यानी कम से कम अगर एक ऑड है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ एम कॉमा एन इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कम से कम एक ऑड है। तो लेट से लेसे मैंने यहां पे लेट से मैंने एम को ऑड मान लिया, एम इज ऑड, तो उस केस में जो कॉस वाला पार्ट है उसको टी माने, देन पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। यानी क्या मान के चल रहा हूं मैं कि मैंने यहां पे जैसे कॉस को अगर टी पुट कर रहा हूं, तो मैं यहां पे बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं कि जो कॉस वाली पावर है वो यहां पे या तो इवन है या ऑड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लो आप कि एम लेट से आपका ऑड हो गया और एन इवन हो गया, तो फिर कॉस को मैं टी मान रहा हूं। अगर दोनों ही ऑड हो गए तो आपकी इच्छा, साइन को मानिए या कॉस को मानिए, किसी एक को मान सकते हैं आप। अगर दोनों ही ऑड है, एम भी ऑड और एन भी ऑड, तो दोनों में से किसी भी एक को आप टी रेट कर सकते हैं। बट अगर एम ऑड है और एन इवन है तो उस केस में इवन वाले को टी मानिए आप, कॉस को टी बोल रहा हूं मैं। दोनों अगर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक को मान लीजिए। लास्ट केस, इफ एम प्लस एन इज नेगेटिव इवन इंटीजर, अगर दोनों का सम जो आ रहा है वो नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, तो उस केस में वहां पर टैन फॉर्म करेंगे आप और टैन को टी लेट करेंगे, देन पुट टैन ऑफ एक्स इक्वल टू टी। टैन आपको खुद को पहले फॉर्म करना पड़ेगा, टैन डेफिनेटली फॉर्म करना जानते हैं आप, साइन बाई कॉस होता है, और देन टैन को टी लेट कर लेंगे। तो तीन केस हैं। फर्स्ट केस, अगर एम और एन दोनों इवन नेचुरल नंबर हैं तो पावर रिड्यूस करनी, पावर कम करनी है आपको। अगर दोनों में कम से कम एक ऑड है, लेट से एम ऑड है एन इवन है, तो इवन वाला जो रेशियो है उसको टी मान लो। अगर दोनों ऑड हैं तो किसी भी एक को मान लो आप, चाहे फर्स्ट को चाहे सेकंड, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। थर्ड केस, अगर एम प्लस एन
दोनों का जो सम है वो इवन और वो भी नेगेटिव इंटीजर है, तो उस केस में वहां पर टेन फॉर्म करेंगे पहले और देन टेन एक्स को टिलेट करेंगे। ये यहां पे तीन केस पॉसिबल है। अब इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए। देखिए फर्स्ट, कॉस पावर 5 इंटू साइन पावर 4, इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है। तो यहां पे एक तो ऑड पावर है और एक इवन पावर है, एक ऑड एक इवन, यानी केस नंबर 2 में आ रहे हैं आप, तो वहां पे किसको टी मानेंगे? इवन वाले को। तो पुट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव निकाल दो, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेट से यहां पे अगर साइन की पावर 7 होता, साइन की पावर 4 की बजाय साइन पावर 7 होता, तो आप चाहे कॉस को टी मानो चाहे साइन को टी मानो, दोनों से बन जाता हो। अब कॉस को टी क्यों मान रहा हूं ये आपको समझ में आ जाएगा अभी। अब इसमें यूं करिए आप, जो कॉस पावर 5 है वहां से एक कॉस तो डी टी में कवर होगा, बाकी जो पावर 4 उसको अलग कर लीजिए। तो कॉस पावर 4, कॉस पावर 4 को क्या लिखेंगे आप? कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होल स्क्वायर है दैट विल बी कॉस पावर 4, और इनटू में कितना साइन पावर 4 है ही, एक को हमने अलग कर लिया बिकॉज वो हमें चाहिए डी टी के लिए। तो अब देखिए हम, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू टी पावर कितना 4, और ये कॉस एक्स डी एक्स आ गया डी टी के अंदर। अब स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, टी पावर 4 माइनस 2t² प्लस 1, और इनटू में कितना है टी पावर 4 डी टी। ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट करिए टी पावर 4 को, और तीनों इंटीग्रल को सेपरेट कर लेंगे। तो फर्स्ट वन कितना बन जाएगा, टी पावर 4 इंटू टी पावर 4 टी पावर 8 डी टी, सेकेंड में माइनस 2 इंटू टी पावर 6, माइनस 2 बाहर, टी पावर 6 डी टी, एंड लास्ट टी पावर 4 डी टी। इंटीग्रल निकालिए तो इट विल बी टी पावर 9/9 माइनस 2 इंटू टी पावर 7/7 एंड लास्ट टी पावर 5/5 प्लस टी पुट कर देंगे यहाँ पे साइन ऑफ एक्स। तो साइन पावर 9/9 माइनस 2/7 इंटू साइन पावर 7x/7 आ गया ऑलरेडी, और यहाँ पे साइन पावर 5x/5 और प्लस सी। तो अगर एक इवन एक ऑड है तो जिसकी पावर इवन है उस रेशियो को आप टी माने, दोनों ऑड है तो किसी भी एक को मान सकते हैं। नेक्स्ट इसी पे अगला सवाल देखें, साइन पावर 4 इंटू कॉस पावर 2 का इंटीग्रल। यहाँ दोनों ही पावर इवन नेचुरल नंबर है, तो अगर इवन है तो पावर कम करनी है अपने को। तो एक तो यहाँ पे रास्ता ये है कि साइन पावर 4 है उसको लिखिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर, देन स्क्वायर साइन स्क्वायर बनेगा 1 माइनस कॉस 2x/2, तो 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करिए, और फिर जहाँ अगेन पावर एक से ज़्यादा बन रही है उसको पावर को अगेन दोबारा कम करो, और पैरेलल कॉस स्क्वायर वो कितना होगा 1 प्लस कॉस 2x/2, लास्ट में सबको सिंगल पावर के फॉर्म में लेके आ जाओ। और सिंगल पावर के फॉर्म में लाते ही डेफिनेटली कोई ना कोई फॉर्मूला वहां पे यूज आ जाएगा, या फिर अपन जानते हैं कि साइन एंड कॉस जब भी मल्टीप्लाई में हो और दोनों का एंगल सेम हो तो ऑलवेज साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, तो वो काम बेटर रहेगा इसमें। तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर और इंटू में साइन स्क्वायर, साइन पावर 4 को लिखा मैंने साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या चाहिए इसको, 4 चाहिए, तो 4 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब देखिए क्या बन रहा है, 1/4 ये बन गया साइन स्क्वायर 2x, या कहें तो साइन 2x का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, पावर कम करनी है अपने को, तो साइन स्क्वायर कितना बनेगा 1 माइनस कॉस 2x/2 dx, 1/2 बाहर निकालिए तो बाहर बनेगा 1/8, और इंटीग्रल देखो इसे अपने दो बन जाने हैं, 1 माइनस कॉस 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x। तो फर्स्ट तो कितना हो गया साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रल, और सेकेंड वाले में हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x
इनटू कॉस 2x, ब्रेक इट क्लोज। सेकेंड इंटीग्रल कोई समस्या नहीं, साइन 2x यूटिलेट करेंगे, कॉस 2x dx वो dt में कवर हो जाएगा। फर्स्ट वाले में अगेन पावर 2 है, सिंगल पावर में लेके आओ उसको, तो साइन स्क्वायर 2x को लिखिए 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx, और यहां पे साइन 2x को यूटिलेट कर लेंगे, पुट साइन 2x इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 cos 2x, यानी cos 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो ये रिप्लेसमेंट आपको यहां पे अप्लाई कर देने, तो ये माइनस 1 अपॉन 2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर और विथ रेस्पेक्ट टू t, ब्रेक इट क्लोज। अब इसको यहां पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो वन अपॉन 8 और ये 1 अपॉन 2 बाहर गया, तो एक बन जाएगा 1 अपॉन 16, ब्रेक इट 1 माइनस कॉस 4x अलग कर दो, 1 का हो गया x और माइनस सेकेंड का कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4, देन ने ब्रेक इट क्लोज कर देना। यहाँ पे सेकेंड 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 16 टी स्क्वायर, यानी टी क्यूब बाई 3, टी किसको लेट किया है मैंने, साइन 2x को, तो साइन 2x का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो जब भी दोनों की पावर जो है, साइन की भी एंड कॉस की भी, इवन नेचुरल नंबर हो, तो पावर अल्टीमेटली आपको कम करनी पड़ती है, और पावर जब भी कम करेंगे तो अल्टीमेटली एंगल, जो एंगल उसका है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, थर्ड, साइन एक्स की पावर 1/3 और कॉस एक्स की पावर -7/3, तो यहाँ तो पावर नेचुरल नंबर है ही नहीं, अगर पावर नेचुरल नंबर है ही नहीं तो फर्स्ट टू केस आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इनका सम चेक करो पावर्स का, तो 1/3 और -7/3 कितना बन गए, 1/3 और -7/3, तो उनका सम बन रहा है इवन, और वो भी नेगेटिव इंटीजर, इवन नेगेटिव इंटीजर, उस केस में क्या बनाएंगे आप, टेन बनाएंगे, तो बनाइए टेन, और टेन बनाने के लिए आपको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, और कॉस की पावर कितनी, 1/3, तो कॉस की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करिए एंड डिवाइड करिए, तो साइन बाई कॉस हो गया टेन, यानी टेन एक्स की पावर 1/3, तो मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, अब कॉस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अपने को, तो कॉस एक्स की पावर कितना 1/3, और ऑलरेडी पावर कितनी है कॉस की, -7/3 डी एक्स। अब देखिए क्या बनाए, तो टेन ऑफ एक्स पावर 1/3 इंटू कॉस की पावर 1/3 -7/3 कितना बन गया, -6/3 यानी -2, कॉस की पावर -2 यानी 1/cos2, 1/cos2 विल बी sec स्क्वायर। अब देखिए टेन को डिलीट करिए, तो ये sec स्क्वायर डी टी में कवर हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, रिप्लेसमेंट लगाइए इसमें, तो ये बन जाएगा टी पावर 1/3 डी टी, इसका इंटीग्रल बना दीजिए, टी पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस सी, थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई कर दो, तो 1/3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3, तो ये तो हो गया 3/4 इंटू टी, टी यानी टेन एक्स की पावर 4/3 प्लस, जब भी दोनों पावर्स का जो सम बन रहा है वो नेगेटिव इवन इंटीजर बने, तो ऑलवेज वहां पे टेन बनाइए, यानी जितनी जितना भी साइन का पावर है ना उतनी ही कॉस की पावर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए, टेन बनाओ, देन टेन को डिलीट करिए, sec स्क्वायर वहां पे अपने आप आ चुका होगा। तो इस तरह के, इस टाइप से, इन टाइप्स
टाइप के फंक्शंस को अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला देखिए इसमें, नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब यहां पे ये है कि लेट से कोई इंटीग्रल दे दिया आपको और उसको एग्जैक्टली आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने को दे दिया टेन की पावर एन दे दिया, तो टेन की पावर एन का इंटीग्रल आप कैसे निकालोगे, टेन की पावर एन का इंटीग्रल कैसे निकाला जाए? तो उस इंटीग्रल को किसी दूसरे इंटीग्रल के फॉर्म में आप लेके आ सकते हैं। टेन की पावर एन का जो इंटीग्रल बनेगा उसको किसी दूसरे इंटीग्रल के फॉर्म में अपन बना सकते हैं। लेट से टेन की पावर एन का जो इंटीग्रल बना वो आई एन बन गया। अब आई एन को अपन किसी दूसरे इंटीग्रेशन के फॉर्म में जमा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेट से आई एन माइनस वन या फिर आई एन माइनस टू या फिर आई एन माइनस थ्री, डिपेंड करता है कि वो क्या बनता है वहां पर। तो ये कैसे रिड्यूस करेंगे उसके लिए एक कोई भी फंक्शन लेते हैं अपन, से ले लिया मैंने कॉट की पावर एन ले लिया, कॉट की पावर एन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोल दिया मैंने आई एन। ये जो भी बना रहा हूँ ओनली मैथड डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसको याद करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, केवल मैथड पकड़िए कि कैसे इसको रिड्यूस करना है। तो कॉट की पावर एन का इंटीग्रेशन जो है उसको मैंने नाम दिया यहाँ पे आई एन। तो इसका जो इंटीग्रेशन है यानी आई एन जो है वो आई एन को किसी दूसरे आई के फॉर्म में मुझे जमाना है, वो मे बी आई एन माइनस वन हो सकता है, वो आई एन माइनस टू हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या बनने वाला आगे। स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ देखो कॉट जब भी अपने को दिख रहा है तो साफ साफ हिंट ये जा रहा है कि अगर मैं कॉट को टी लेट करता हूँ तो कॉट का जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर तो है नहीं, बट कॉस एक्स स्क्वायर बना सकते हैं आप। कॉट स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर में रिलेशन आप जानते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है कॉस एक्स स्क्वायर होता है। तो वहाँ पे कॉट स्क्वायर चाहिए मेरे को, कॉट स्क्वायर अगर चाहिए तो पावर को यहाँ पे सेपरेट करो, क्या लिखोगे इसको, कॉट की पावर एन माइनस टू इंटू कॉट स्क्वायर। अब जो कॉट स्क्वायर लिखा है उसको कॉस एक्स स्क्वायर के फॉर्म एक्सप्रेस कर दो, वन प्लस कॉट स्क्वायर कितना कॉस एक्स स्क्वायर, कॉट स्क्वायर विल बी कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये बन गया कॉट एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इस कॉट पावर एन माइनस टू को ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट करिए और दोनों इंटीग्रल को सेपरेट कर दीजिए, तो फर्स्ट कितना बन जाएगा कॉट एक्स पावर एन माइनस टू इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड बन जाना यहाँ पे कॉट एक्स पावर एन माइनस टू का इंटीग्रेशन। तब देखिए कॉट पावर एन का जो इंटीग्रल था उसको मैंने आई एन नाम दिया था, तो कॉट एक्स की पावर एन माइनस टू का जो इंटीग्रल बनेगा दैट विल बी आई एन माइनस टू। और फर्स्ट वाले को सोल्व कर पाएंगे अपन, तो फर्स्ट वाले में कॉट को पुट कर दीजिए टी, तो कॉट का डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी माइनस डी टी। तो ये सारे रिप्लेसमेंट लगाने के बाद क्या बनेगा, इसको सोल्व करते हैं अपन यहाँ पे। तो आई एन जो था वो बन गया यहाँ पे माइनस, बाहर चला गया इंटीग्रल से, और ये हो गया टी पावर एन माइनस टू डी टी, और ये माइनस का आई एन माइनस टू। अब चाहे तो आई एन माइनस टू को आप लेफ्ट में लेके आ जाओ या फिर उसको वहीं रहने दो आप। तो आई एन अल्टीमेटली क्या बन रहा है, माइनस टी पावर एन माइनस टू का इंटीग्रल निकाल दो, टी पावर एन माइनस टू प्लस वन इन टी पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। अब टी को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आई एन इक्वल टू टी क्या था कॉट, तो माइनस कॉट एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। यानी क्या किया मैंने, आई एन जो इंटीग्रल था कॉट की पावर एन का जो इंटीग्रल आई एन बोल रहा था मैं, उस आई एन को हमने आई एन माइनस टू के फॉर्म में फाइंड कर दिया। फर्दर क्या कर सकते हैं आप, आई एन माइनस टू को आई एन माइनस फोर के फॉर्म में, आई एन माइनस फोर को आई एन माइनस सिक्स के फॉर्म में, आई एन माइनस सिक्स को आई एन माइनस एट के फॉर्म में आगे चलता रहेगा, आगे वो रिड्यूस होता रहेगा। इसी को बोल रहे हैं आप रिडक्शन फॉर्मूला। याद नहीं करना है इसको,
अब यहां भी चाहें तो ये आई एन प्लस आई एन माइनस टू, ये कितना बन जा रहा है, माइनस कॉर्टेक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू कितना निकल गया, गया माइनस कॉट पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। सेम तरीके से आप टेन की पावर एन को भी रिड्यूस करवा पाएंगे, वहां पे टेन की पावर एन माइनस टू इंटू टेन स्क्वायर बनेगा सेक्स स्क्वायर माइनस वन, सेम तरीके से आगे वो बन जाएगा। अब इसमें सवाल कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं हमें। बस ये देखिए, आई एन क्या दिया, कॉट की पावर एन, एंड आई नॉट प्लस आई वन प्लस ट्वाइस ऑफ आई टू प्लस आई थ्री अप टू आई एट प्लस आई नाइन प्लस आई टेन इक्वल टू ए, सम कॉन्स्टेंट है, ब्रैकेट में क्या लिखा, यू प्लस यू स्क्वायर बाई टू अप टू यू पावर नाइन अपॉन नाइन प्लस सी सम कॉन्स्टेंट। यू दिया कॉर्टेक्स और सी यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो ए आपसे पूछा है, बिल्कुल तो सेम एग्जैक्टली जो फॉर्मूला भी बनाया था वही काम आ जाएगा। तो हमने क्या बनाया, आई एन प्लस आई एन माइनस टू माइनस कॉर्टेक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये तो बना। अब यहां देखिए जो आपसे पूछा है, जो दे रखा है आपको, आई नॉट उसमें काम में लिया, आई वन काम में लिया, आई टू काम में लिया, अप टू आई टेन तक काम में लिया, तो यहां पे क्या करेंगे आप, एन को स्टार्ट कहां से करेंगे, टू से, तो यहां पे एन को टू पुट करिए, टू पे कितना बना, आई टू प्लस आई नॉट, राइट में कितना बन जाएगा, माइनस कॉट की पावर टू माइनस वन यानी वन, इसको वापस ढंग से लिख दे रहे हैं, माइनस कॉटेक्स बन जाएगा। देन एन को पुट करिए थ्री, थ्री पे कितना बना, आई थ्री प्लस आई वन, और ये कितना बनेगा, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कितना टू, एन को पुट करिए फोर, तो ये बनेगा आई फोर प्लस आई टू इक्वल टू माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन थ्री। ऐसे करते करते लास्ट में कितना पुट करेंगे आप, टेन, कितना बनेगा, आई टेन प्लस आई एट इक्वल टू माइनस कॉट पावर नाइन एक्स अपॉन नाइन। अब इनका सबका सम करना है अपने को, तो जैसे ही इन सबका सम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो अपने सवाल का लेफ्ट हैंड साइड है वही बन जाएगा, यानी आई नॉट प्लस आई वन, उसके बाद देखो आई टू से डबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज देखो आई टू देखो यहाँ भी आ रहा है, आई टू यहाँ भी है और आई टू यहाँ भी है, बट आई नॉट एक ही बार आना है, आई वन भी एक ही बार आना है, आई टू दो बार आएगा, आई थ्री दो बार, ऐसे आई एट तक दो बार आएंगे, और फिर लास्ट में आई नाइन और आई टेन भी एक एक बार ही आएंगे। तो टू इंटू आई टू अप टू कहाँ तक, आई एट तक, और प्लस आई नाइन प्लस आई टेन इक्वल टू, राइट में देखिए सबसे माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लिया जी, क्या बचा, कॉट, कॉट कितना बोल रखा है इसने, यू, तो यू प्लस यू स्क्वायर बाई टू कहाँ तक, यू पावर नाइन अपॉन नाइन, और लास्ट में एक कॉन्स्टेंट लगा दिया आपने, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो कंपेयर करिए उससे ऊपर वाले से, एक कितना आ रहा है माइनस वन, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बी वाला। तो इस तरीके से रिडक्शन फॉर्मूले को यूज लेके भी आपको सवाल मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें एक दो और देख लेते हैं, सेकंड से लिए रिडक्शन हमने, लेट से सेक की पावर एन को रिड्यूस करना है अपने को, इसको आई एन नाम दे दिया मैं, सेक की पावर एन का इंटीग्रल निकालना है, उसको आई एन नाम दिया, तो आई एन को कौन से, मतलब आई एन माइनस वन के फॉर्म में बनेगा या फिर आई एन माइनस टू के फॉर्म में रिड्यूस होने वाला है,
वो अपने को चेक करना है। तो यहां पे सेम वैसे ही करते हैं। सेक्स स्क्वायर डेफिनेटली कोई ना कोई काम आ सकता है अपने, कोई पावर कम करिए, सेपरेट करिए, सेक पावर एन माइनस टू इन टू विद द सेक्स स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अब यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर सेक्स स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर हो गया सेक्स स्क्वायर, अगर सेक्स स्क्वायर को आपने वन प्लस टेन स्क्वायर लिखा तो कोई काम का नहीं है आपका, बिकॉज टेन को अगर टी मानेंगे तो वहां पे सेक की पावर तो बहुत ज्यादा है ना मल्टीप्लाई में, कोई काम ही नहीं आएगी। तो अब अपने को आइडिया यहाँ पे ये लग रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो ऑलवेज बाई पार्ट का स्कोप तो बना रहेगा, बाई पार्ट लगाते हैं, और बाई पार्ट के अकॉर्डिंग आईलेट, आईलेट तो कोई काम का नहीं है आप, बिकॉज आईलेट के अकॉर्डिंग फंक्शन दोनों यहाँ पे कौन से में, ट्रिगोनोमेट्री में, तो आईलेट तो यहाँ पे कमेंट कर नहीं पाएगा कि फर्स्ट कौन सेकेंड कौन। तो जैसा कि हमने बताया था कि सेकेंड फंक्शन उसको मानिए जिसका इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से निकाल पाए, किसका निकाल पाएंगे, सेक पावर टू का, तो सेक पावर टू बन जाएगा सेकेंड फंक्शन और ये बन जाएगा फर्स्ट, और अप्लाई कर दो बाई पार्ट, अप्लाई बाई पार्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा ये फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, यानी सेक पावर एन माइनस टू, सेकेंड का इंटीग्रेशन वो हो गया टेन एक्स माइनस साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो एन माइनस टू तो बाहर चला जाएगा, और इनटू सेक की पावर कितना हो जाएगा एन माइनस टू माइनस वन एन माइनस थ्री, इनटू सेक का बनाएंगे वो बनेगा सेक इनटू टेन, ये तो बन गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले पावर का निकाला, पावर एन माइनस टू है तो एन माइनस टू बाहर चला गया इनटू सेक की पावर एन माइनस थ्री, देन बाय चैन रूल सेक का निकाला सेक इनटू टेन, और देन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल दैट विल बी टेन एक्स, और दोबारा पूरे का इंटीग्रेशन डीएक्स लगा दो, तो आगे सिंप्लीफाई करिए, ये बन गया टेन एक्स इंटू सेक एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस एन माइनस टू, इसमें देखिए ये sec दोनों मर्ज हो जाएंगे, tan और tan कितना बन गया tan स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर, तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस वन, तो ये sec x की पावर ऑलरेडी कितनी यहाँ पे n माइनस टू है, और ये कितना बन जाएगा tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x माइनस वन। अब इन दोनों ब्रैकेट्स मतलब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए तो फाइनली tan ऑफ x इंटू sec ऑफ x की पावर n माइनस टू माइनस n माइनस टू, और यहाँ पे दोनों इंटीग्रल सेपरेट करेंगे अपन, तो फर्स्ट वाले में sec की पावर n माइनस टू इंटू sec स्क्वायर, sec की पावर n ही बन गया, और सेकेंड वाले में sec की पावर n माइनस टू का इंटीग्रल, वापस थोड़ा सही से लिखते हैं इसको, ये अब देखो sec की पावर n का जो इंटीग्रल है वो तो आई एन ही है, तो ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट जो इंटीग्रल है स्क्वायर ब्रैकेट में वो तो आई एन हो गया, और सेकंड कितना हो जाएगा आई एन माइनस टू, तो फाइनली देखो क्या बनाइए आई एन इक्वल टू टेन ऑफ एक्स इंटू sec की पावर कितना है n माइनस टू, देन माइनस आई एन माइनस एन माइनस टू इंटू आई एन माइनस एन माइनस टू इंटू आई एन, और नेक्स्ट बनेगा माइनस माइनस प्लस एन माइनस टू इंटू आई एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू इंटू आई एन माइनस टू। अब जो आई एन आपको दिख रहा है राइट में उसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, तो लेफ्ट में ऑलरेडी आई एन है और क्या आएगा एन माइनस टू आई एन हो रहा है, दोनों में आई एन कॉमन निकाल लेंगे, वन प्लस एन माइनस टू विल बी एन माइनस वन, तो
एन माइनस वन इंटू आई एन इक्वल टू टैन ऑफ एक्स इंटू सेक एक्स की पावर एन माइनस टू और प्लस एन माइनस टू इंटू आई एन माइनस टू। अब दोनों साइड में डिवाइड कर लो एन माइनस वन से, तो यहाँ पे आई एन जो बनेगा दैट विल बी वन अपॉन एन माइनस वन इंटू टैन ऑफ एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। यहाँ पे आई एन को हमने आई एन माइनस टू के फॉर्म में निकाल दिया। अब आगे आई एन माइनस टू को आई एन माइनस फोर के फॉर्म में निकाल पाएंगे आप? इसी में जो इंटीग्रल बनाया है इसी में एन को रिप्लेस कर देना एन माइनस टू से, तो वहाँ पे आई एन माइनस टू आई एन माइनस फोर के फॉर्म में आ जाएगा। देन आई एन माइनस फोर को आई एन माइनस सिक्स के फॉर्म में निकाल पाएंगे। आगे रिडक्शन यूं चलता रहेगा, ये तो उसी को बोल रहे हैं हम रिडक्शन फॉर्मूला। आगे इसमें एक और बना देंगे, टाइम क्या हो गया, साइन की पावर एन का इंटीग्रल। अगेन आई एन बोल दिया इसको, इसको रिड्यूस करना है अपने को। तो यहां देखिए साइन की पावर एन है, यहां तो सेकेंड पावर अलग करने का कोई मतलब ही नहीं है, वहां तो अलग क्यों कर रहे थे, बिकॉज सेक्स स्क्वायर कुछ ना कुछ था टेन के फॉर्म में। यहां तो साइन की पावर टू अगर आपने अलग कर दिया तो उसको साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख पाएंगे मैक्सिमम, उससे कुछ बनना नहीं है। तो सेकेंड पावर अलग करने के बजाय यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक ही पावर अलग कर रहा हूं, और अब यहां पे लगाएंगे अपन बाई पार्ट। दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक है, आईलेट से कुछ नहीं मिलना है। तो सेकेंड फंक्शन उसको मानो जिसका इंटीग्रल बड़ा आसानी से निकाल पा रहे हैं, वो कौन है, साइन एक्स, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट, लगाइए बाई पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल कितना होता है माइनस कॉस एक्स, देन माइनस साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा एन माइनस वन, बाहर निकालता हूँ पहले इंटीग्रल से, साइन एक्स की पावर कितना है एन माइनस टू, देन साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और साइन का इंटीग्रल बनेगा माइनस कॉस, माइनस बाहर निकालते हैं प्लस हो जाएगा और एक कॉस की पावर टू हो गया, दोबारा पूरे का इंटीग्रल, तो कितना बन गया माइनस साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन। अब जो कॉस स्क्वायर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इस कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में लेके आ जाओ, क्या लिखेंगे इसको, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे साइन की पावर एन माइनस टू से, तो जो फर्स्ट बनेगा वो तो बन जाएगा साइन की पावर एन माइनस टू का इंटीग्रेशन, अलग कर दिया मैंने इसको यहीं पे, देन साइन की पावर एन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर, वो साइन की पावर एन हो गया और ये माइनस हो जाएगा माइनस एन माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एन। तो साइन पावर एन का इंटीग्रल तो हमने आइए नहीं बोल रहा है, तो ये तो हो गया आई एन, यहां पे ये तो हो जाएगा आई एन, और ये कितना हो जाएगा आई एन माइनस टू। तो अब इसमें देखिए जो आई एन वाला पार्ट है, बिकॉज आई एन को सोल्व कर रहे हैं अपन, ये आई ने सिंप्लीफाई किया हमने, तो जो सबसे लास्ट टर्म है वो आई एन ही है, वहां पे एन माइनस वन इंटू आई एन, उसको लेफ्ट में लेकर आ जाओ, दोनों से आई एन कॉमन आ जाएगा, कॉफिशिएंट कितना बनेगा वन प्लस एन माइनस वन, कितना हो गया एन, तो एन टाइम आई एन विल बी माइनस साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। दोनों साइड को एन से डिवाइड कर देंगे तो आई एन विल बी माइनस वन अपॉन एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन बाई एन इंटू आई एन माइनस टू। तो अगेन यहाँ पे जो साइन की पावर एन का इंटीग्रल था जिसको मैं आई एन नाम दिया था हमने, उस आई एन को हमने फॉर्म रिड्यूस किया आई एन माइनस टू के फॉर्म में। आगे यहीं से अगर मुझे आई एन माइनस टू निकालना हो तो इसी में एन को रिप्लेस कर दो एन माइनस टू से, तो वहां से आई एन माइनस टू आएगा आई एन माइनस फोर के फॉर्म में।
देन आई एन माइनस फोर आई एन माइनस सिक्स के फॉर्म में आगे प्रोड्यूस होता रहेगा अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है।